नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और कल की तरह आज भी हम लोग गोल्ड का जो बिहेवियर है उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि आज प्राइस क्या हो सकता है या कितने के बीच में हो सकता है, और कल का भी बताएंगे कि कल लास्ट में क्या हुआ था। तो देखिए, कल का जो क्लोजिंग था वो 1993 यानी 1993 रुपये डॉलर के आसपास था, जो सुबह आपने देखा था कि आपका 92, 94, 93 इसके हिसाब से चल रहा था। तो अभी जो मार्केट दिखा रहा है या जो सीनेरियो आपके सामने है, तो देखिए वो अभी का जो चेंजेस है वो 1994 डॉलर के आसपास चल रहा है। और ये जो देखिए, ये जो चार्ट है आपका गोल्ड का, इसमें देखिए ये लगातार मार्केट जो है आगे की तरफ निकल रहा है। तो जो US में जो मीटिंग हुआ, जो इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं हुआ, उसका भी असर इस पर थोड़ा सा है कि लोग जो है अब इसमें से थोड़ा पैसा निकाल के, उनको डर नहीं है कि मार्केट में इन्फ्लेशन या थोड़ा सा कुछ हल्का हुआ है कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, तो बॉन्ड का पैसा थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा आ रहा था जिसकी वजह से प्राइस जो है अप था। तो ये अगर थोड़ा सा निकलेगा, इसी वजह से इसमें थोड़ा सा डाउनग्रेड आया है, या मार्केट में जो ये रेट है आपको दिख रहा है 1994। अभी दिवाली वगैरह आएगा तो हो सके उसके प्रेशर में थोड़ा सा $2-4 फ़र्क पड़े, क्योंकि कंज्यूमर के बायर से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता गोल्ड के प्राइस में। जब तक बैंक और जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो ना इसमें बाई करें, तब तक रेट नहीं बढ़ता है, क्योंकि हम पब्लिक में इतना ये नहीं है कि इसका रेट बढ़ा दें, क्योंकि हम लोग तो 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम वाले हैं जो ख़रीदते हैं, मगर जो बल्क में पैसा लगाते हैं वो बैंक और कॉन्ट्रैक्ट्स वाले हैं, तो उनकी वजह से ही मार्केट बढ़ता है घटता है। हम उनको फॉलो कर सकते हैं, मतलब अपना आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे ये मार्केट में अब US का पॉलिसी के बाद क्या हुआ कि लोगों ने वहाँ के बॉन्ड में निकाल के, मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा था तो वहाँ लगा रहे थे, अब वहाँ थोड़ा इंटरेस्ट कम हुआ तो यहाँ लगाएंगे, तो इसी वजह से क्या होता है अप एंड डाउन होता है। अब ये थोड़ा सा मार्केट, मान लीजिए हर एक आदमी को समझ में नहीं आता, अगर आपका ज्वेलरी दुकान है तो आप US ने क्या बोला, इंडिया ने क्या बोला, अमेरिका ने क्या बोला, आप उस सब चीज़ों में नहीं जाइएगा। आप सोचिएगा कि आपके यहाँ पे कितना ज़्यादा सामान बिका, कितना ज़्यादा मुनाफा हुआ, और प्राइस न्यूज़पेपर में सुबह उठ के देखिएगा। मगर न्यूज़पेपर का प्राइस जो है ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। थोड़ा सा अगर आप अपने ज्वेलरी बिजनेस के साथ साथ इन सब चीज़ों को सीख जाएँ, क्योंकि आपके गोल्ड से रिलेटेड है, तो आपको मार्केट में अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। आप जब दाम कम रहे तब खरीद के उसको सेल आउट कर सकते हैं, या जब दाम आपको आइडिया हो जाए कि बढ़ने वाला है तो आप उसको खरीद के सेल आउट कर सकते हैं। और छोटे पैसे से भी चाहे तो इसमें बुलियन के इस तरीके फॉर्मेट को आप लगा सकते हैं। इसमें आपको किसी से डिस्काउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी से मांगना पड़ेगा। आप प्राइस कॉस्ट पर भी खरीद के, मार्केट का एजम्पशन अगर आपके पास आ गया तो आप अच्छा खासा आहिस्ते करके मुनाफा कमा सकते हैं। 5-10 लाख रुपये लेके अगर आप मार्केट में उतरते हैं तो जितना आप ज्वेलरी बना के कमाते हैं या बुलियन, फिजिकल बुलियन बेच के कमाते हैं, मेरे को लगता है फिजिकल बुलियन से ज़्यादा ही इसमें आप कमा पाइएगा। और जो कंट्रोल है आपके हाथ में होगा, आपको किसी पे वेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि कब बायर आएगा तो बेचूंगा। फिजिकल में क्या होता है कि कोई आएगा तब बेचिएगा, डिस्काउंट मांगिएगा, फिर उधार मांगेगा, तो इसमें वो सब चीज़ें नहीं हैं। अगर 5-10 लाख पूंजी है तो बहुत तरीके से आप चाहे तो इसको अपना पॉलिसी स्ट्रेटजी बना के काम कर सकते हैं और बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। अब आज का रेंज बता दें, आज का रेंज जो है ये देखिए 193, ये तो आपका देखिए 194 हो गया, अभी 194.70 हो गया, तो 190 का आज रेंज रह सकता है। यानी यहाँ से जब मैं मार्केट घुमा है तो यहाँ पे एक बार दिन में हो सके लो भी आए, और ये जो है हाईएस्ट आपका 195-196 के आसपास जो है आज जो है जा सकता है। तो इसी के बीच में रहेगा, 1990 डॉलर से लेके 1994 या 1996 के बीच में ये जो है आपके पास आज दिखेगा मार्केट में। तो आशा करता हूँ हमारा एजम्पशन आपको सही लगेगा, यानी प्राइस आज जो है, क्योंकि कल छुट्टी है, सैटरडे और संडे मार्केट बंद रहता है, तो फ्राइडे वाला मार्केट ही एजम्पशन होता है। तो 194 पे देखिए 195 हो गया अभी, तो ये रेट ही मार्केट में आपको नज़र आएगा। और अभी फ़िलहाल इससे ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है, 2-3 दिन जो है इसी के आसपास रेंज में घूमता रहेगा। आज के लिए इतना ही। आप अगर चाहते हैं इस बिजनेस को करें, इसमें बुलियन के लाइसेंस को बनाएं, या ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करें, या कैश एंड गोल्ड का बिजनेस करें, तो गोल्ड का सारा स्ट्रेटजी के ऊपर हम लोगों के पास बिजनेस प्रोजेक्ट है, लाइसेंस का पूरा काम हम लोग करवाते हैं, पूरा बिजनेस का आइडिया, सॉफ्टवेयर, सब कुछ।
तो आप चाहें तो हम लोगों से कंसल्ट करके ये पूरा बिजनेस के लिए गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, नहीं होता है, या गोल्ड का काम सीख सकते हैं, और ईयरली पैकेज पे चाहें तो काम भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।